मुकेश का नाम सरस्वतीमान और महाभारत में अपने यादगार किरदारों की वजह से ही लोकप्रिय नहीं है, बल्कि वो तमाम राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार खुलकर बयां करते हैं और उन्हें पान मसाला से जुड़े उत्पादों के विज्ञापन करने की वजह से बॉलीवुड के बड़े सितारों की आलोचना की है। बता दो चलिए, उन्होंने अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन से पान मसाला और गैम्बलिंग ऐप के विज्ञापन न करने का अनुरोध किया है। जी हाँ, आखिर इसके पीछे की कारण क्या है, क्या है इसके पीछे की वजह, आइए जानते हैं। मुकेश खन्ना ने बॉलीवुड बबल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि अगर आप मुझसे पूछे तो मैं यही कहूंगा कि इनको पकड़ कर मारना चाहिए। ये बात मैं उनसे कह चुका हूँ, मैं अक्षय कुमार को भी जाना है, वो सेहत के प्रति बहुत ही जागरूक इंसान है और वो आदाब कहते हैं, अजय देवगन आदाब कहते हैं और अब शाहरुख खान भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं। इन विज्ञापनों को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन और आप लोगों को क्या क्या सिखा रहे हो कि हम पान मसाला नहीं बेच रहे हैं। वो कहते हैं कि ये सुपारी है, लेकिन ये जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें वही चीजें करनी है जिससे कि लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। जी हाँ, पान मसाला विज्ञापन में जो खर्चे होते हैं वो करोड़ों रुपए होते हैं, जो कि एकदम वेस्ट ऑफ मनी है, ऐसा कहना मुकेश खन्ना का था। जी हाँ, मुकेश खन्ना ने युवाओं पर सिगरेट विज्ञापनों के बुरे असर पर भी चर्चा की है। वो बोले, जब आप किंगफिशर का विज्ञापन करते हैं तो इसका साफ मतलब है कि आप किंगफिशर बियर भी बेच रहे हैं। जी हाँ, जबकि सब जानते हैं कि इसे भ्रामक विज्ञापन कहते हैं और वो ये विज्ञापन क्यों करते हैं, क्या उनके पास पैसे नहीं है। मैंने उनसे यही कहा है कि ये काम मत करो, तुम्हारे पास पैसे बहुत है। कुछ एक्टर्स ने इसे दोबारा किया, अक्षय में से एक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अमिताभ बच्चन इससे दूर हो गया है। लेकिन इन विज्ञापनों को बनाने में करोड़ों रुपए की खर्ची होती है, लोग एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं, आप लोगों को गुटखा खाना सिखा रहे हो, ऐसा मत करो, ऐसी चीजें बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है। जी हाँ, मुकेश खन्ना ने ये भी कहा है, उन्होंने ये भी कहा कि उनको भी ऑफर हुए थे पान मसाला के विज्ञापन, लेकिन उन्होंने साफ इस चीज को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं गलत चीजों में लोगों का साथ नहीं दूंगा। जैसे मुकेश खन्ना से पूछा गया कि क्या उनसे कभी भी ऐसे विज्ञापन करने के लिए संपर्क किया गया था, तो वो दृढ़ता से बोले कि मैंने अपने जीवन में कभी भी सिगरेट और पान मसाला और जैसी चीजों के लिए विज्ञापन नहीं करने पसंद किया है। दरअसल हाँ, मोटा पैसा ऑफर जरूर मिलता है, ऑफर तो थे, लेकिन ऐसी चीजें खराब है और मैं इन्हें प्रमोट नहीं कर सकता। मैं इन सभी बड़े अभिनेताओं से अनुरोध करता हूँ कि सर, आप लोग प्लीज चीजों को देखते हुए करें, और अगर आपकी लोग नकल करते हैं तो प्लीज ऐसा ना करें। आपने अपना इतना बड़ा नाम कमाया है और ऐसे लोग कहेंगे कि अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। आपकी इस पे क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, और आप मुकेश खन्ना से कितने सहमत है ये भी बताएं। ऐसे तमाम रेडियो सबको जाने के लिए जुड़े हमारे साथ।